आप लोग स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि आप लोग देश की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, तो आप लोगों को मालूम होगा कि जब उत्तर प्रदेश और पंजाब की खासकर राजनीति की बात होती है तो कांशीराम का नाम जरूर उभर के आता है। और आपको बता दूं कि आज जो आप लोग मायावती जी को देखते हैं ना, जो आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, तो इन्हें राजनीति में लाने का श्रेय माननीय कांशीराम को ही जाता है। और देश भर के आपने देखा है कई नेताओं के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, और सभी नेताओं के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं और कांशीराम को छोड़ दें, ये हो नहीं सकता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि कांशीराम के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को दे देंगे, इनका राजनीति में क्या योगदान रहा है, इनका जन्म क्या कहाँ हुआ है, और शुरुआती जीवन इनका किस तरह से रहा है, और अंतिम समय इनका किस तरह से गुजरा है, पूरा एक खाका हम लोग खींच लेंगे। तो आप देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये हैं आपके माननीय कांशीराम, ठीक है। और इनके अगर हम लोग जन्म की बात करें तो आप देखेंगे इनका जन्म होता है 15 मार्च 1934 को, यानी कि जब हमारे ऊपर हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था उस समय इनका जन्म होता है। इनका जन्म स्थान कहाँ है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पीथीपुर बुंगा ग्राम खवसपुर रूपनगर पंजाब भारत में हुआ था। आज आप लोग देख सकते हैं पंजाब, आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखिए ये है पंजाब, तो इनका पंजाब में जन्म हुआ था। और आप सभी जानते हैं कि पंजाब की सीमा आपकी पाकिस्तान से भी लगती है, ठीक है। और इसकी बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ विधानसभा सीटें 117 हैं, लोकसभा सीटें 13 देखने को मिलेगी, राज्यसभा सीटें आपको 7 देखने को मिलेगी, कहाँ, पंजाब की बात कर रहा हूँ। तो यही इनका जन्म होता है। और इनके धर्म की अगर हम बात करें तो क्योंकि आप जानते हैं कि ये सिख धर्म था, पहले इनका धर्म सिख धर्म था, इनका जन्म सिख परिवार में होता है, लेकिन आगे चल के आप देखेंगे इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और इनका जो अंतिम संस्कार हुआ था, क्रियाक्रम हुआ था, वो बौद्ध धर्म के अनुसार हुआ था, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इनके पिता की बात करें तो श्री हरि सिंह इनके पिता का नाम, और माता इनकी श्रीमती बिशन कौर इनकी माता थी। और इनकी अगर हम लोग शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा ये गांव खवासपुर से पूरी करते हैं, और स्नातक यानी कि आप देखते हैं कि आप लोग 12वीं के बाद बीएससी, कोई बीए करता है तो इन्होंने बीएससी की हुई थी, ठीक है, इन्होंने स्नातक करते हैं रोपड़ से। और इनकी राजनीतिक पार्टी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी इनकी पार्टी है, और इन्हीं ने इनकी इसकी स्थापना की थी, किसकी, बीएसपी की। आज आप देखते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है इसका, मायावती जी है, ठीक है। अब बात आती है इनके सफर की, तो आप देखेंगे 1958 में इन्होंने स्नातक होने के बाद कांशीराम पूना में रक्षा उत्पादन विभाग में सहायक वैज्ञानिक के रूप में पद पर नियुक्त हुए। शुरुआत में आप देखते हैं कि इन्होंने 1958 में एक नौकरी शुरू की, पर आप देखेंगे 1965 में उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म दिवस पर सार्वजनिक अवकाश रद्द करने के विरोध में संघर्ष किया, यानी कि आप देखिए कि इनका एक तरह से भीमराव अम्बेडकर की बात हो रही है, उनके जन्मदिन जिस तारीख को उनका जन्म हुआ था उस तारीख को एक तरह से सरकारी छुट्टी मिले। आप देखते हैं ना कि गांधी जयंती पर आप देखते हैं कभी छुट्टी मिल जाती है, या इस तरह के कोई महापुरुष और होते हैं तो उनके जन्मदिन को हम लोग देश भर में छुट्टी के रूप में मनाते हैं। और इस घटना के बाद उन्होंने पीड़ित समाज के लिए लड़ने का मन बना लिया, और उन्होंने संपूर्ण जातिवादी प्रथा और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कार्यों का गहन अध्ययन किया, और दलितों के उद्धार के लिए बहुत प्रयास किया। और इसीलिए आप देखते हैं कि भीमराव अम्बेडकर को इन्होंने पढ़ा जाना, उसके बाद ही राजनीति शुरू की। आज के राजनेताओं को आप देखिए, उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि महापुरुषों के बारे में, और इसीलिए आप देखते हैं जो मन में आता है वो बकते रहते हैं, और उनकी राजनीति किस तरह से चलती है आप सभी परिचित हैं। आखिरकार सन 1971 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने एक सहकर्मी के साथ मिलकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक कर्मचारियों के कल्याण संस्था की स्थापना की। कब, 1971 में। और आप सभी लोग 1971 को एक वजह से और जानते हैं, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और आपने देखा है कि पाकिस्तान बुरी तरह से हारा था और नया देश बांग्लादेश उभर के आया हुआ था। इस समय हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है। यह संस्था पूना परोपकार अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत की गई थी। हालांकि इस संस्था का गठन पीड़ित समाज के
कर्मचारियों का शोषण रोकने हेतु और असरदार समाधान के लिए किया गया था, लेकिन इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को शिक्षित और जाति प्रथा के बारे में जागृत करना। क्योंकि आप देखिए, आजादी के पहले जाति प्रथा हमारे देश में बहुत एक तरह से बुरी तरह से व्याप्त थी, और आपने देखा होगा कि जातियों के साथ किस तरह से भेदभाव किया जाता था। आपका अगर निचली जाति में जन्म हुआ है तो आपको एक तरह से काम बांट के रख दिया गया था कि आपको यही काम करना होगा। और इन्होंने इन्हीं परिस्थितियों से निकालने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, पढ़ाने के लिए इस तरह के कदम उठाए, और धीरे धीरे संस्थान से अधिक लोग जुड़ते गए, और जिससे यह काफी सफल भी रही है। और इसीलिए आप लोगों से बोलता हूँ कि हमें 1947 में भली आज़ादी मिल गई थी, लेकिन वो आज़ादी एक खास हाथों में सिक्के में आई हुई थी, और आगे चल के उसका बंटवारा होना था। और आप कह सकते हैं कि उसका बंटवारा सही तरीके से ना होने के कारण आज भी आप देखिए हमारे देश में भेदभाव आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए, आपको भली मौलिक अधिकार दे दिए गए, लेकिन उनका सही उपयोग नहीं हो पाता है। आप देखिए, महिलाओं के साथ आज भी भेदभाव किया जाता है, समझ रहे हैं आप लोग? तो सही से मौलिक अधिकारों का बंटवारा, या फिर आप कह सकते हैं कि आज़ादी का बंटवारा नहीं हो सका, या आप कह सकते हैं कि आगे के जो भी राजनेता आए वो सफल नहीं हो सके। और आप देखेंगे कि 1973 में कांशीराम ने अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर BAMCEF यानी कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉई फेडरेशन की स्थापना की, जिसका पहला क्रियाशील कार्यालय 1976 में दिल्ली में शुरू किया गया था। और याद रखिए, 1976 वो समय है जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, 1975 से 77 के बीच, इंदिरा गांधी के समय की भी बात कर रहा हूँ। इस समय भी आप देखेंगे देश में इंदिरा गांधी का ही समय चल रहा था, प्रधानमंत्री थी। और इस संस्था का आदर्श भाग था एडुकेट, ऑर्गेनाइजेशन एंड एजिटेट। इस संस्था ने अम्बेडकर के विचार और उनकी मान्यता को लोगों तक पहुँचाने का बुनियादी कार्य किया। और इसके पश्चात आप देखेंगे कांशीराम ने अपना प्रसार तंत्र मजबूत किया और लोगों को जाति प्रथा, भारत में इसकी उपज और अंबेडकर के विचारों के बारे में जागरूक भी किया। जब तक आप देखेंगे कांशीराम के हाथों में राजनीति रही है या BSP की बागडोर रही है, तब तक वो देखेंगे खासकर अपने भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर चलते रहे। लेकिन आपने देखा है कि जब से मायावती के हाथ में BSP की बागडोर आई हुई है, तब से आप देखेंगे इनकी विचारधारा भी डलमगाने लगी है। और आप देखते हैं आप लोग कि कभी ये उच्च जाति की बात करने लगती हैं, कभी निचली जाति की बात करती रहती हैं। इन्होंने अपनी विचारधारा से अलग होकर काम शुरू कर दिया है। और इन्हीं की छोड़िए बात, आप लोग आज आप लोग देखिए कि कांग्रेस किसकी विचारधारा की बात करती है। आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी की विचारधारा की बात करती है, और आप देखिए, लेकिन हकीकत में आप देखेंगे आज इनकी विचारधारा और पंडित जवाहरलाल नेहरू या आप देखिए गांधी की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। आप देखिए सापा किसकी विचारधारा की बात करती है, लोहिया की विचारधारा की बात करती है। लेकिन आज अगर आप लोग तुलना करके तो आपको मालूम चलेगा कि इनका लोहिया की विचारधारा से कोई लेना देना ही नहीं है। इसी तरह आप लोग BJP को देख लीजिए, ये आप देखते हैं कि किनकी विचारधारा की बात करती रहती है। पटेल साहब की विचारधारा की बात करती रहती है, सरदार पटेल की। लेकिन आप देखेंगे, तुलना करेंगे तो आपको कहीं भी इनकी उनकी विचारधारा में समानता नहीं दिखाई देगी। ये आप देखिए महापुरुषों की विचारधारा को केवल वोट बैंक तक सीमित रखते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना का काम करते हैं, और इनकी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसके पश्चात कांशीराम ने अपना प्रसार तंत्र मजबूत किया और लोगों को जाति प्रथा, भारत में इसकी उपज, अम्बेडकर के विचारों के बारे में बताया, उन्हें जागरूक किया। वे जहां जहां गए उन्होंने अपनी बात का प्रचार किया, उन्हें बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन भी प्राप्त हुआ। और आप देखेंगे इस तरह का आप कोई भी काम करते हैं और लोगों के बीच जाते हैं, अगर लोगों को अच्छी तरह से समझा पाते हैं, जागरूक कर पाते हैं, तो लोगों का समर्थन मिलना स्वाभाविक हो जाता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे 1980 में उन्होंने अम्बेडकर मेला नाम से पदयात्रा शुरू की, और जिसमें अम्बेडकर के जीवन और उनके विचारों को चित्रों और कहानियों के माध्यम से दर्शाया। और पहले के राजनेताओं को आप लोग देखते थे कि वो जनता के बीच जाकर जनता की में अपनी पहचान बना देते थे। आज के राजनेताओं को आप देखिए, मैं कई ऐसे सांसदों को जानता हूँ जिस क्षेत्र से वो लोग चुन के आते हैं, उस क्षेत्र के लोग भी उन्हें अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। आप देखिए केवल एक पार्टी के सिंबल पर वो लोग चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। आज के राजनेताओं की ये असली कहानी है।
पर आप देखेंगे 1984 में कासीराम ने VAMCEF के समानांतर दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना की, और इस समिति की स्थापना उन कार्यकर्ताओं के बचाव के लिए की गई थी जिन पर जाति प्रथा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हमले होते थे। हालांकि यह संस्था पंजीकृत नहीं थी लेकिन यह एक राजनीतिक संगठन था। फिर आप देखें कि 1984 में कासीराम ने बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम से राजनीतिक दल का गठन किया। BSP का गठन कब हुआ था? 1984 में। फिर आप देखेंगे 1986 में उन्होंने ये कहते हुए अब वे बहुजन समाजवादी पार्टी के अलावा किसी और संस्था के लिए काम नहीं करेंगे और अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता से एक राजनेता के रूप में परिवर्तित कर लिया, क्योंकि उनकी एक अपनी पार्टी हो चुकी थी, राजनीतिक पार्टी बन चुकी थी। उसके बाद वे क्या करते हैं कि पार्टी की बैठकों और अपने भाषणों के माध्यम से कासीराम ने कहा कि अगर सरकारें कुछ करने का वादा करती हैं तो उसे पूरा करना भी चाहिए, अन्यथा ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि उनमें वादे पूरे करने की क्षमता नहीं है। और आज के समय में आप देखिए चुनाव के समय कितने बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं, उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं नेता, ठीक है। और मुझे लगता है इसीलिए वो सक्सेस भी रहते हैं। अगर हम लोग कासीराम की राजनीति में योगदान की बात करें, क्योंकि अगर हम लोग आज पढ़ रहे हैं तो उन्हें उनके राजनीति में योगदान के कारण ही सबसे ज्यादा उन पर ध्यान दे रहे हैं, उनके बारे में जानने की हमारी दिलचस्पी रहती है। तो BSP के गठन की बात कासीराम ने कहा कि उनकी बहुजन समाजवादी पार्टी पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव नजर में आने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी। और 1988 में उन्होंने भावी प्रधानमंत्री BP सिंह के खिलाफ इलाहाबाद सीट से चुनाव भी लड़ा था, लोकसभा की बात कर रहा हूं, और प्रभावशाली प्रदर्शन किया था लेकिन 70,000 वोटों से वो हार गए थे। तो आप कहिए कि पहली बार इन्होंने राजनीति में हाथ अपनाया लेकिन वो चुनाव हार गए थे। और इसको आपने देखा होगा कि जब उन्होंने इस तरह की बात कही थी कि पहला चुनाव हारने के लिए, तो उन्हें पता भी होगा कि हम हार जाएंगे, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि 1989 में वो पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और चौथे स्थान पर रहते हैं। फिर आप देखेंगे सन 1991 में कासीराम और मुलायम सिंह आप जानते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अखिलेश यादव को जो आप लोग पढ़ते हैं ना, जानते हैं ना, देखते हैं ना, इन्हीं के पिता हैं। गठबंधन किया और कासीराम ने इटावा से चुनाव लड़ने का फैसला किया और कासीराम ने अपने निकटतम भाजपा प्रतिद्वंदी को 20,000 मतों से यानी कि वोटों से हराया था और पहली बार लोकसभा में प्रवेश किया था। और आप सभी जानते हैं कि लोकसभा सदस्य के जो चुनाव होते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा होते हैं। अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी है, मतदाता सूची में आपका नाम जुड़ चुका है, तो मुझे लगता है कि आप लोग भी वोट डालने जरूर जाते होंगे। तो पहली बार आप देखेंगे कि ये 1991 में क्या पहली बार लोकसभा चुनाव में जीतते हैं और संसद में जाते हैं। और पहली बार आप देखेंगे, इसके बाद आप कांसीराम ने 1996 में होशियारपुर से 11वीं लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता भी और दूसरी बार लोकसभा पहुंचे। और आगे आप देखेंगे अपने खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने 2001 में सार्वजनिक रूप से मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो आप देखेंगे BSP की बागडोर मायावती के हाथों में सन 2001 में आ जाती है, ठीक है। आगे आप देखेंगे अपने सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के द्वारा कासीराम ने निचली जाति के लोगों को एक ऐसी बुलंद आवाज दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। बहुजन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश और अन्य उत्तरी राज्यों जैसे मध्य प्रदेश हो गया, बिहार में निचली जाति के लोगों को असरदार स्वर प्रदान किया। और आप देखिए कि तभी से आप देखेंगे कासीराम के समय से ही दलित राजनीति शुरू हो जाती है और दलितों के सामने एक तरह से आप सोचिए उनकी तरफ लोगों का झुकाव जाता है। पंजाब देख लीजिए आप लोग, आज भी आप देखिए कि दलितों को कितना महत्व दिया जा रहा है उनके वोट बैंक के कारण, समझ रहे हैं आप लोग। तो यही हाल रहा। फिर आप देखेंगे आगे इन्होंने ये पुस्तकें भी कुछ लिखी हुई है, इन्हें भी जान लीजिए। सन 1982 में कासीराम ने द चमचा योग नामक पुस्तक लिखी थी जिन्होंने उन्होंने दलित नेताओं के लिए चमचा शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि दलित लीडर केवल अपने निजी फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा और कांग्रेस जैसे दलों के साथ मिलकर राजनीति करते हैं, और जिसमें आप देखेंगे कई आपके राजनेताओं के नाम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक पासवान साहब थे, समझ रहे हैं, उनकी बात हो रही है, उन्हें मौसम वैज्ञानिक भी कहते हैं। उनकी पुस्तक वर्थ ऑफ BMCEF भी प्रकाशित हुई
उनकी जीवनी काशीराम दलितों के नेता बद्रीनी नारायण तिवारी द्वारा लिखी गई थी। तो अगर आप लोगों की दिलचस्पी इनमें है और जानने की इच्छा है इनके बारे में, तो इनकी जीवनी आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है। काशीराम के भाषणों को एक किताब के रूप में अनुज कुमार द्वारा संकलित किया गया है और इसका नाम है बहुजन नायक काशीराम के अविस्मरणीय भाषण। इसके अलावा आप देखेंगे काशीराम साहब के लेखन और भाषण को एस एस गौतम ने संकलित किया है, जबकि काशीराम द्वारा लिखे गए संपादकीय बहुजन समाज पब्लिकेशन ने 1997 में प्रकाशित किया था। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास समय है तो आप लोग काशीराम की बायोग्राफी जरूर पढ़ सकते हैं, जीवनी जरूर पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंतिम समय भी आता है एक समय, तो काशीराम को मधुमेह यानी कि डायबिटीज उच्च रक्तचाप की समस्या थी और 1994 उन्हें दिल का दौरा भी पड़ चुका था और दिमाग की नस में खून का गठ्ठा जमने से 2003 में उन्हें दिमाग का दौरा भी पड़ा था। उसके बाद आप देखेंगे 2004 के बाद खराब सेहत के चलते उन्होंने सार्वजनिक जीवन छोड़ दिया और करीब 2 साल तक वो शैयाग्रस्त रहने के बाद यानी कि बिस्तर पर पड़े रहने के बाद 9 अक्टूबर 2006 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी डेथ हो जाती है, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार बौद्ध रीति रिवाजों से किया गया था। और आपने देखा होगा कि भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। और अभी भी आप देखते हैं मायावती भी इस तरह की बातें करती रहती हैं। अब इनकी अगर विरासत की बात करें तो काशीराम की सबसे महत्वपूर्ण विरासत उनके द्वारा स्थापित किया गया राजनीतिक दल बहुजन समाजवादी पार्टी है और उनके सम्मान में कुछ पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों में आप देखेंगे काशीराम अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद पुरस्कार, काशीराम कला रत्न पुरस्कार, काशीराम भाषा रत्न सम्मान। और आप जब देखते हैं कि सही काम करते हैं तो पुरस्कार आपके नाम पर रखना स्वाभाविक हो जाता है। उत्तर प्रदेश में एक जिले का नाम भी काशीराम नगर रखा गया था। इस जिले का नामकरण 15 अप्रैल 2008 को किया गया था, लेकिन आपको याद होगा कि इसे आप लोग कासगंज भी कहते हैं। काशीराम जिले को काशी राम नगर को आप लोग कासगंज जिले के रूप में भी जानते हैं। तो ये कहानी है आपके काशीराम की, ठीक है, बीएसपी के संस्थापक की। अगर कोई और बच्चा हो तो उनके बारे में बात बताइएगा, उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे। टाइम मिलता है तो राम मनोहर लोहिया को भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि इन सबके बारे में आपको मालूम चल जाता है तो एक तरह से आपको मालूम चल जाता है कि आज के नेता कितना दिखावा करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो चलिए, हम तो मिलते रहेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए।